Hello, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our SST book by Brain Rope series. The name of our book is Jelly Bean Journeys in Social Studies. And today we will start chapter number 9. और हमारे chapter का नाम है Our Neighborhood. तो चलिए start करते हैं अपना chapter. सम एंड सब्सटेंस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे आर नेबर्स के बारे में और नेबरहुड वो जगहें जो हमारे घर के आसपास होती हैं प्लेसेस फॉर एन इमरजेंसी लाइक पुलिस स्टेशन फायर स्टेशन इन सब के बारे में पढ़ेंगे और आप पढ़ेंगे अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड एंड इन लास्ट वी विल लर्न अबाउट क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर First, we have to do one activity. Write the name and address of your friend on the postcard given below. यहाँ पे एक postcard दिया हुआ है. आपको अपने friend का नाम और address लिखना है ये दी हुई space में. This activity you have to do by yourself. Our neighbors. Neighbors कौन होते हैं? बच्चों जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं. उन्हें हम नेबर्स कहते हैं जैसे जिन्हें हम पड़ोसी भी कहते हैं तो चलिए पढ़ते हैं उनके बारे में वी लिव इन वेरियस टाइप ऑफ हाउसेस लाइक बंगलोज एंड अपार्टमेंट पीपल लिविंग नियर बाय आर कॉल्ड नेबर्स हम सब लोग अपार्टमेंट बंगलो फ्लैट इन सब में रहते हैं और आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें हम नेबर्स कहते हैं गुड नेबर्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग गुड एंड बैड टाइम अच्छे पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं अच्छे और बुरे समय में दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड ओकेशंस टुगेदर कोई ओकेशन हो या कोई त्योहार हो पड़ोसी एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं और क्या एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते सपोज किसी पड़ोसी के घर में कोई फंक्शन है ठीक है और आप वहां पे कोई म्यूजिक चल रहा है और आप जाके कहें कि नहीं शोर हो रहा है म्यूजिक बंद करो नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कई बार होता है किसी का गुड टाइम बैड टाइम होता है आपके पड़ोस में है उनके यहाँ टाइम अच्छा नहीं चल रहा है फॉर एग्जाम्पल कुछ मिस हैपनिंग हो गई है तो आपको ये नहीं कि बहुत लाउड म्यूजिक में आप सॉन्ग सुन रहे हैं उनको डिस्टर्ब हो रहा है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो नेबर्स को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे को की भावनाओं को समझना चाहिए और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कई बार क्या होता है कुछ नेबर पार्किंग के ऊपर लड़ाई करते हैं वो कहते हैं ये मेरी जगह है पार्किंग की वो कहता है मेरी जगह है तो इस तरह की चीजों से भी बचना चाहिए एंड दे कीप देयर सराउंडिंग क्लीन और अपने आसपास की जगहों को साफ रखना चाहिए ये कर्तव्य किसका है नेबर्स का है हम भी किसी के नेबर्स हैं और कोई हमारा भी नेबर्स है Now we will learn about neighborhood. Neighborhood क्या होता है? The area around our house is known as neighborhood. The places in our area are our neighbors' houses, parks, market, hospitals, school, bank, police station and post office. Neighborhood places make our life easy and comfortable. हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है वो नेबरहुड होता है और नेबरहुड में बहुत सारी चीजें होती हैं मार्केट होता है हॉस्पिटल बैंक पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा तो और क्या होता है कि जो नेबरहुड प्लेसेस होती हैं वो हमारी लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाती हैं फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट मार्केट मार्केट क्या होती है मार्केट हर किसी के पड़ोस में होती है आपके घर के आसपास भी होगी तो मार्केट वो जगह है जहां से हम डेली यूज की अपनी चीजें लेते हैं जो नीड हमारी डेली लाइफ में है फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू परचेज फूड वेजिटेबल मिल्क एनी अदर ग्रोसरी आइटम सो यू विल गो टू मार्केट मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं नाउ वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट शॉप एंड द थिंग्स विच वी बाय फ्रॉम दैट शॉप केमिस्ट केमिस्ट की शॉप से आप क्या लेंगे मेडिसिन लेंगे ग्रीन ग्रोसर से आप वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेंगे मिल्क बूथ से मिल्क लेंगे और डेयरी प्रोडक्ट लाइक घी पनीर और बटर ये सब आपको कहाँ से मिलेगा मिल्क बूथ से ग्रोसरी शॉप मतलब राशन की दुकान वहां से आपको राशन का सारा सामान मिल जाएगा बेकर से मतलब बेकरी शॉप जो होती है वहां से आपको कुकीज केक पेस्ट्री पैटिस ये सब चीजें मिलती हैं
स्टेशनरी शॉप से आपको स्टेशनरी आइटम मिलते हैं लाइक पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, रजिस्टर, क्रियॉन्स एक्सेट्रा. पोस्ट ऑफिस, अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर लेटर, पोस्ट कार्ड, मनी ऑर्डर एंड पार्सल आर सेंट. वी ऑल्सो बाय स्टैम्प, पोस्ट कार्ड एंड एनवेलप फ्रॉम पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहां से हम क्या परचेज करते हैं, लेटर, पोस्ट कार्ड और हम मनी ऑर्डर करते हैं और पोस्ट ऑफिस से पार्सल्स भी भेजे जाते हैं. देखिए ये लेटर बॉक्स, ये पोस्ट ऑफिस है और ये पिक्चर किसकी है, लेटर बॉक्स की. लेटर बॉक्स रेड कलर का होता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट बैंक. बैंक क्या है? अ बैंक इज अ प्लेस वेयर वी कीप आवर मनी सेफ. बैंक वो जगह है जहां पर हम अपने पैसे को सुरक्षित रखते हैं. जब भी हमें पैसे की नीड होती है, या तो हमें पैसा निकालना होता है या जमा कराना होता है, तो हम कहां जाते हैं, बैंक में जाते हैं और अपने अकाउंट से मनी विड्रॉ करते हैं. अ बैंक गिव इंटरेस्ट ऑन योर डिपॉजिट मनी. आप जो बैंक में पैसा जमा कराते हैं, बैंक उस पर क्या देता है, आपको इंटरेस्ट, जिसे हम ब्याज कहते हैं. बैंक ऑल्सो हैव स्पेशल स्टील कैबिनेट कॉल्ड लॉकर्स. बैंक में लॉकर्स भी होते हैं जो स्टील के कैबिनेट्स होते हैं, जिसमें हम अपना जरूरी सामान और ज्वेलरी रखते हैं. वेयर वी कीप आर वैल्यूएबल आइटम, जहां पे हम अपना कीमती सामान रखते हैं. नाउ इंटरप्रिटेशन. एटीएम्स आर कॉमनली फाउंड इन आर नेबरहुड. द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज ऑटोमेटेड टेलर मशीन. दीज मशीन्स आर यूज टू विड्रॉ मनी एनी टाइम ऑफ द डे विदाउट गोइंग टू द बैंक. जब भी आपको पैसा निकालना है, जरूरी नहीं कि आप बैंक जाए. आजकल सबके नेबरहुड में क्या होती है, एटीएम मशीन, जहां से आप इजिली, एक कार्ड होता है जिसे एटीएम कार्ड कहते हैं, उसकी हेल्प से आप इजिली कैश को विड्रॉ कर सकते हैं. पार्क. पार्क क्या होता है? सबसे अच्छी जगह होती है बच्चों के लिए, बच्चों की मनपसंद जगह होती है, जहां पर बच्चे खेलने जाते हैं. सबके घरों के आसपास पार्क होते हैं. चलिए पढ़ते हैं. देयर आर पार्क एंड गार्डन इन द नेबरहुड. सबके पड़ोस में पार्क और गार्डन होते हैं. वहां पे ट्रीज, प्लांट्स, स्विंग्स एंड स्लाइड, मतलब झूले लगे हुए होते हैं. बच्चे पार्क में खेलने जाते हैं. पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी जाते हैं पार्क में. किस लिए? इंजॉय करने अपनी वॉक को, एक्सरसाइज, और बैठते हैं खुली हवा में, ताजी हवा लेते हैं. अ गार्डनर लुक आफ्टर द प्लांट्स इन अ पार्क और गार्डनर. माली गार्डन की देखभाल करता है, पेड़ पौधे और फूलों की रखवाली करता है. नाउ वी विल लर्न अबाउट प्लेसेस फॉर एन इमरजेंसी. इमरजेंसी में जो प्लेसेस काम आती है, उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे. व्हेन समथिंग दैट माइट हार्म अस हैपन सडनली, अचानक कोई ऐसी चीज हो जाए जिससे हमें नुकसान पहुंचे, वी कॉल इट एन इमरजेंसी, हम उसे इमरजेंसी कहते हैं. इफ देयर इज एन इमरजेंसी वी मस्ट एक्ट इमीडिएटली, अगर कोई इमरजेंसी है हमें एकदम से एक्ट करना चाहिए. नाउ टाइम फॉर इंटरप्रिटेशन. नॉट ऑल प्लेसेस इन द नेबरहुड आर सेफ. नेबरहुड की सारी जगहें सेफ नहीं होती. ऑलवेज गो आउट विद एन एल्डर वन. आप जब भी घर से बाहर जाएं तो किसी बड़े के साथ जाएं. अकेले घर से बाहर बच्चों नहीं जाना चाहिए. पुलिस स्टेशन एक इमरजेंसी प्लेस क्या है? पुलिस स्टेशन. द पुलिस स्टेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आर नेबरहुड. सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है हमारे नेबरहुड की. पुलिस कहाँ पे काम करती है? पुलिस स्टेशन में. जो नियम और कानून बनाते हैं, द पुलिस कीप आर नेबरहुड सेफ एंड प्रोटेक्ट आर लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम थीव्स एंड अदर थ्रेट. पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, हमारी चीजों की सुरक्षा करती है और हमें बचाती है चोर और डाकुओं से. दे ऑल्सो हेल्प अस टू फाइंड आर लॉस्ट बिलोंगिंग. अगर हमारी कोई चीज खो गई है तो पुलिस उसकी हेल्प करेगी, उसे ढूंढने में हमारी हेल्प करेगी. अगर कोई परेशान कर रहा है आपको, देन यू हैव टू डायल 112 नंबर, 112 नंबर पर आप कॉल करेंगे और पुलिस से हेल्प मांगेंगे. द ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड. रोड पर जो यातायात के जो साधन होते हैं, उन कंट्रोल जो करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं. नाउ वी विल लर्न अबाउट फायर स्टेशन. फायर स्टेशन क्या है? फायर स्टेशन इज अ प्लेस वेयर फायर इंजन आर केप्ट.
फायर स्टेशन वो जगह है जहाँ पे फायर इंजन को रखा जाता है. फायर फाइटर्स वर्क इन अ फायर स्टेशन एंड दे आर कॉल्ड व्हेन अ फायर ब्रेक आउट समवेयर. फायर फाइटर्स कहाँ काम करते हैं? फायर स्टेशन में. अगर कहीं आग लग गई है तो हम क्या करते हैं? फायर स्टेशन पे कॉल करते हैं और फायर फाइटर्स आते हैं. वो अपने साथ आग बुझाने के सारे साधन लेके आते हैं. दे यूज बिग ऑफिसेस टू थ्रो वाटर ऑन द फायर. बहुत बड़ी गाड़ी होती है जो पानी से भरी हुई होती है, बहुत लंबी उसकी पाइप होती है. तो वो क्या करते हैं, उस गाड़ी को लाते हैं और जहाँ पे आग लगी होती है वहां पर आग बुझाने की पूरा प्रयास करते हैं. हॉस्पिटल, अब हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल के बारे में. A hospital and a clinic is a place where the sick and injured are taken care of by doctor and nurses. Hospital और clinic वो जगह है जब कोई बीमार हो या किसी को चोट लगी हो वहां पर जाते हैं. डॉक्टर और नर्स उनकी देखभाल करते हैं. डॉक्टर बीमार लोगों को देखता है और नर्स डॉक्टर की हेल्प करती है पेशेंट को देखने में. हॉस्पिटल में एम्बुलेंस सर्विस होती है. एम्बुलेंस एक ऐसा व्हीकल है जो पेशेंट को इमरजेंसी में घर से हॉस्पिटल पहुंचाता है और जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो एम्बुलेंस उसको घर छोड़ने भी जाती है. अगर हमें एम्बुलेंस सर्विस की नीड है तो हम 102 नंबर डायल करेंगे. नाउ वी विल लर्न अबाउट अदर प्लेसेस इन नेबरहुड. अब हम और कुछ नेबरहुड प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे. There are also be different places of worship in our neighborhood. पूजा करने की और भी जगहें होती हैं हमारे आस पड़ोस में. लोग वहां जाते हैं, प्रेयर करते हैं. मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च होता है और बस स्टॉप होती है सबके नेबरहुड में, जहां से लोग अलग स्थानों पर या किसी दूसरे स्थान पर जाने के लिए बसेस को लेते हैं. कुछ नेबरहुड्स में स्कूल्स भी होते हैं जहां पर बच्चे पढ़ने और कुछ नई बातें सीखने जाते हैं. और कुछ नेबरहुड में क्या होता है, मूवी थिएटर्स होते हैं और सिनेमा हॉल होते हैं. लोग वहां पर मूवी देखने जाते हैं फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्लीन एंड ग्रीन नेबरहुड. आर नेबरहुड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी शुड ट्राई टू कीप इट क्लीन एंड ग्रीन. नेबरहुड बहुत जरूरी है हमारे लिए. हमारी पूरा प्रयास होना चाहिए कि हम उसे हरा भरा और साफ रखें. हमें जो भी गार्बेज है, जो भी कूड़ा है, उसे डस्टबिन में डालना चाहिए. सड़कों पर या किनारों पर नहीं फेंकना चाहिए. हमें दीवारों पर या सड़क पर थूकना नहीं चाहिए. और हमें अपने नेबरहुड में जो पार्क है उसकी केयर करनी चाहिए, उसे साफ रखना चाहिए. जो भी कूड़ा है, करकट है, किसी भी तरह का कोई गार्बेज है, उसको डस्टबिन में डालिए. पीपल शुड नॉट प्लग फ्लावर्स. गार्डन और पार्क में फ्लावर्स लगे हुए हैं तो उनको नहीं तोड़ना चाहिए. और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर के आसपास ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधों को लगाएं. नाउ टाइम टू हैव लुक ओवर द एरिया नियर और अराउंड आवर हाउस इज कॉल्ड नेबरहुड. व्हेन वी आर इल और इंजर्ड वी गो टू द हॉस्पिटल. वी हैव स्कूल इन आवर नेबरहुड. The police maintain law or order. We keep our money and valuables safe in the bank. We should keep our neighborhood clean. Now time for estimation corner. The first exercise is choose the correct option. सही option को चुनिए. People who live near our house are called our. जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे neighborhood. नेबर्स, डॉक्टर या ऑल ऑफ दी, तो वो कहलाते हैं हमारे नेबर्स. पीपल गो टू डैश टू वॉच मूवी. लोग मूवी देखने कहाँ जाते हैं? सिनेमा हॉल, स्कूल, बोथ एबी या नन, तो वो जाते हैं सिनेमा हॉल. नंबर थ्री, देयर इज नो मिल्क टू मेक टी फॉर गेस्ट. आपके घर में गेस्ट आए हैं लेकिन दूध नहीं है. सारा फादर मस्ट गेट मिल्क फ्रॉम. सारा के फादर मिल्क परचेज करेंगे कहाँ से? फार्मेसी से, मिल्क बूथ, ग्रोसरी शॉप से या स्कूल से? वो मिल्क लेंगे मिल्क बूथ से. नंबर फोर, अ पोस्ट ऑफिस इज अ प्लेस वेयर वी पोस्ट. पोस्ट ऑफिस वो जगह है जहाँ पर हम पोस्ट करते हैं बुक्स, वेजिटेबल, लेटर्स या मेडिसिन.
हम पोस्ट ऑफिस में पोस्ट करते हैं लेटर्स. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग हेल्प बॉक्स. खाली स्थानों को भरिए हेल्प बॉक्स की हेल्प से. वी डायल डैश टू कॉल द फायर स्टेशन. फायर स्टेशन पे कॉल करने के लिए हम क्या नंबर डायल करते हैं? हम डायल करते हैं 101. द डैश इज द प्लेस वेयर वी एक्सरसाइज, प्ले और वॉक. ये वो जगह है जहां पर हम एक्सरसाइज करते हैं, खेलते हैं और टहलते हैं. तो वो जगह है पार्क. तो हम यहां लिखेंगे PARK पार्क. वी मस्ट कीप आर नेबरहुड डैश. हमें अपने नेबरहुड को कैसा रखना चाहिए? हमें अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए. तो हम यहां लिखेंगे CLEAN क्लीन. वी डायल डैश टू कॉल द पुलिस. पुलिस को बुलाने के लिए हम क्या नंबर डायल करेंगे? हम नंबर डायल करेंगे 112. नाउ एक्सरसाइज सी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. दिए हुए स्टेटमेंट्स को बताना है कि वो सही है या गलत है. नंबर वन, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड. पड़ोसी एक दूसरे की हेल्प करते हैं जरूरत के समय. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. डॉक्टर टीच गुड मैनर्स. डॉक्टर गुड मैनर्स सिखाता है हमें. नो, दिस इज फॉल्स. अ पार्क हैज लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज. पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं. यस, दिस इज ट्रू. नंबर फोर, बेकर सेल राइस, व्हीट एंड शुगर. नो, दिस इज फॉल्स. एक्सरसाइज डी, हु एम आई. मैं कौन हूं? माई डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज डी यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ. इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आर नेबरहुड. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.